दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है। दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसे हो तो इतिहास बनाती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे अरे प्रेमानंद, वो देखो रोमांचक द्वाचन वहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं। हाँ मुझे भी तो देख रहे हैं, ये लोग कुछ देख रहे हैं, शायद कोई वीडियो होगा शायद। लेकिन ये लोग छुप के क्यों देख रहे हैं भाई? आओ जाके पूछते हैं। हाँ अरे ओ क्या नया वीडियो आ रहा है क्या? हाँ रंजन, हाय रंजन, हाय रंजन बीसी, क्या कर रहे हो? पता नहीं है, नया हो क्या? नहीं पता। अरे सीयूजे में स्किट कार्निवल चल रहा है। स्किट कार्निवल, आओ देखते हैं। चलो 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 देखते हैं। आओ Thank you.
Thank you.
आगे पूरे मैच में और वो जो लास्ट ओवर में शॉट मारा था देख जीत दिया Thank you.
अरे कहना क्या चाहते हो? Why so much confusion?
हम बात करने जा रहे हैं अबाउट आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स की कहानी, स्टूडेंट्स की जुबानी। अरे डांस का छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। इतने कम मार्क्स, अब हम तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन लगवाएंगे और इन डांस जैसी बेतुकी बातों में पैसा नहीं बनाएंगे। तू ना बनेगी सिंगर, ना बनेगी डांसर, डॉक्टर की बेटी है तू बनेगी डॉक्टर। मार्क्स तो आ नहीं पाते थे अच्छे, पर हर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में डांट जरूर पिट जाती थी। और एक दिन किसी तरह स्कूल से निकल के उसने ले लिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, और फिर उसके साथ वही हुआ। क्या हुआ? अरे भाई डिप्रेशन। लेकिन एक रात एक सपने ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। ऐसा क्या हुआ? उसके रटे हुए एमबीबीएस के चैप्टर्स ने जो भी था उसने सीखा, उसने भूल से हुई हो गई एक गलती, उसने पेशेंट को दे दिया एक गलत की। गलत क्लास हुई मौत ने कर दिया उसे परेशान, और जिंदगी की सफर में हारी हुई हमारे एडमिशन ने ले ली अपनी ही जान। ये सिखाया है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि हम टीचर्स का काम है जिंदगी के सफर को मजेदार बनाना। और हाँ, हम एक लेवल था कितना भी हारे उनका काम है हम कभी हार ना माने, हमें यही सिखाना। सर्वगुण संपन्न इंसान।
अरे तो फिर वही पुरानी दाल खिलाएगा या किसी नेता की पुंगी बजाएगा या कन्या भ्रूण हत्या और बाल श्रम का रोना रुलाएगा? नहीं उस्ताद। आज युवाओं की सभा में है, युवाओं की सभा में। तो इस यंग जनरेशन को क्या दिखाएगा उस्ताद? आज हम इनको साइबर क्राइम के बारे में बतलाएगा। साइबर क्राइम? ये कौन छोकरिया के नाम है वो? उस्ताद तोर मनवा तो खाली छोकरिया में लग रहे साइबर छोकरिया उतरिया ना। आजकल के टेक्नोलॉजी वालों का नया समस्या है समस्या। अच्छा ठीक है, बताओ इनको इसके बारे में। इसको दीवाने जवान लो,
साल का बुढ़ा हूँ मैं, शौक मेरा निराला, करता हूँ चैटिंग लड़कियों से, हो गबरू जवान दिल वाला। Thank you.
वजन घटाया सिर्फ 6 दिन में 6 किलो। तुझे मोटा समझ रहा है क्या भाई? एक ही झटके में तुझे सारी मेरी जिम की मेहनत बर्बाद कर दी। चल निकल यहाँ से। Two times I will be speaking today, and this is the first time.
Today we are going to present before you the form of the mind, the drama that we have created ourselves, and it is named Lungs of the Earth.
मासीमा हमारे अंग्रेजी से खाना खाना चाहिए मासीमा अंग्रेजी। अरे बेटा
है तो सही कर ले। ऐसे खाए के खाना नहीं, पहने के कपड़ा नहीं, लेकिन सबके अंग्रेजी सीखे को। अगर अंग्रेजी से अगर दोनों देश का इतना विकास हो रहा है, चीन जैसा देश जहाँ 70% का देश चीनी का है ना, वो देश का विकास कैसे कर रहे हैं? जैसे मर रही है वैसे मैं भी मर जाऊंगी, तो अगर मुझे
सुन लो कहते बात पुरानी, कलयुग में पैरों में जूता तो रहेगा जापान, मगर फिर मुख से छूट जाके तो भैया समझ में आया कि नहीं कि हिंदी क्यों बीमार है, कैसे बीमार है और उसे बीमार बना क्यों रहा है? क्यों भैया? हाँ भैया। तो ये समझ में आया कि हिंदी क्यों बीमार है? क्या हम कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए? हमें समझना होगा, हमें समझना होगा, हमें विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you.
in a developing country, India lagged far behind in waste management. Through this kit, we will try to suggest some of the remedies which will help you in better waste management. आखिर सब ऐसे हैं तो मैं ये पूरा डस्टबिन में क्यों डालूं? अरे फेंकने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा?
कि सिर्फ ये तो इस तो आप इसी तरह अपने घर को भी गंदा रखते हैं क्या? इस नगर को साफ रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं क्या? ये देश आपका नहीं, आप कहते हैं कूड़ा हमने नहीं फैलाया। क्या उस कूड़े फैलाने वाले को आपने रोका? अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल एक की नहीं प्रत्येक नागरिक की है। क्या आपको बार बार बताने की जरूरत है कि हमारे देश को साफ रखने के लिए? क्या आपको किसी कानून अभियान या हमारे मुख्य नागरिक की जरूरत है अपने ही देश को साफ रखने के लिए? क्या आपको पता है भारत विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देशों में से एक है? अब तो हमारे बच्चों के लिए एक नई तरह की छुट्टी भी स्टार्ट हो गई है, इसका नाम है पोल्यूशन वेकेशन। कोई कुत्ता है क्या?
लोगों में इंसान इंसान की कोई चीज है भी या नहीं? ये बच्चा इस समय अपनी मौत से जूझ रहा है और तुम फेसबुक पे लाइव वीडियो बना रहे हो और तुम लोग इसे देख कर भी अनदेखा करके चले जा रहे हो। इंसानियत दिखाओ, अगर इसे इस समय किसी चीज की जरूरत है तो वो है हमारी हेल्प की, तुरंत इसकी हेल्प करो, यही हमारी प्राथमिकता से होनी चाहिए इस समय। हॉस्पिटल में जय जगन्नाथ। उम्मीद करते हैं ये स्किट कार्निवल बहुत अच्छा लगा होगा। 10 एपिसोड था, 10 न्यू कॉन्सेप्ट और स्टारकास्ट बहुत ही ज़्यादा। स्टारकास्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल हमारा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके फॉलो कीजिए। कोई भी सुझाव है सजेशन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। और एपिसोड 1 to 10 कौन सा सबसे अच्छा लगा बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले फिल्म में बहुत जल्द। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।